हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम प्राची। आशा करती हूँ आप सब लोग हैप्पी होंगे, सेहतमंद होंगे आपकी लाइफ में। आज जो है मैं आपके साथ में बहुत ही यूज़फुल एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज आपको पता ही है कि मौसम जो है बिल्कुल बारिश वाला हो रखा है, हर जगह पे बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है। ऐसे मौसम में हमें अक्सर भजिया पकौड़े वगैरह ये सारी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कल की बनाई हुई खिचड़ी, कल का बनाया हुआ राइस जो है वो बच जाता है, तो लंच में तो इसको खाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट में हम इसको कैसे प्रिपेयर करें, देखिए ब्रेकफास्ट में हमें कल की लेफ्ट ओवर खिचड़ी का भी इस्तेमाल करना है एंड गर्मा गर्म पकौड़े भी खाने हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। कैसे हम लोग बनाएंगे खिचड़ी से पकौड़े। खिचड़ी भी आपकी यूज़ हो जाएगी, जो आपको लंच में नहीं खानी है वो आप ब्रेकफास्ट में खा लीजिए। एंड साथ ही साथ में हम लोगों का जो पकौड़े खाने का आजकल मन होता है बारिश की वजह से, वो भी हमारा मन जो है हम लोग रख लेंगे। तो दोनों की दोनों चीज़ें जो है फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगी, घर वाले भी पकौड़े खा के खुश हो जाएंगे, आप भी खिचड़ी का यूज़ करके खुश हो जाएंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। बहुत ही इजी एंड सिंपल वाली ये रेसिपी है, क्योंकि खिचड़ी जो है अपने आप में ही बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। बची हुई खिचड़ी को जो है मैंने एक प्लेट में लेके उसको अच्छे से मैश कर लिया है। ये जो आपने अभी देखा वाइट कलर का, ये है नॉर्मल पोहा जो हम लोग ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। पोहा को जो है मैंने थोड़ा सा भिगो के रखा था एंड उसके बाद में जो है उसको पानी निकाल के, पानी उसमें से जो पानी है वो निचोड़ के मैंने पोहा ले लिया है। मसालों में मैंने ऐड किया है यहाँ पे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, साथ ही साथ आप इसमें ऐड कर सकते हो गरम मसाला या फिर जैसे कि मैंने अभी काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, तो आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दीजिए, चाहे तो गरम मसाला ऐड कर दीजिए। जो मसाले, जो फ्लेवर्स आपको बहुत पसंद है वो आप ऐड कर सकते हो। पकौड़े, भजिया, कटलेट्स, इन सारी चीज़ों में जो है कच्ची सौंफ बहुत ही अच्छी लगती है टेस्ट में, राइट। उसका जो एक सौंधा सौंधा खुशबू होता है वो बहुत ही फ्लेवरफुल एंड अच्छा लगता है खाने में। तो कच्ची सौंफ मैंने यहाँ पे ऐड की है एंड नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार। खिचड़ी में ऑलरेडी बहुत सारे मसाले होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, खिचड़ी में नमक भी होता है। तो आपको ऊपर से जो मसाले है, नमक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो पोहा आपने ऐड किया है उसके लिए आपको डालने हैं एंड थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए मसाले जो है हम लोग ऐड कर रहे हैं। देखिए मसालों का इस तरीके से है ना, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से उनको जो मसाले पसंद है, हमारी फैमिली में जो पसंद आते हैं वैसे मसाले ऐड करती हूँ। अगर आपकी फैमिली में इसको छोड़ के थोड़े और अलग से मसाले पसंद है तो वो आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि अजवाइन हो गया, काली मिर्च का पाउडर तो मैंने ऐड किया ही है, गरम मसाला हो गया, कुछ कुछ लोगों को पाव भाजी मसाला ऐड करना अच्छा लगता है, कोई कोई लोग चाट मसाला भी ऐड करते हैं। तो डिपेंड ऑन आपकी फैमिली की टेस्ट, आप जो है इसमें अलग अलग मसाले ऐड कर सकते हो। मसाले ऐड करने के बाद में कुछ नहीं किया मैंने बहुत ज़्यादा, ऐसा बस उसको अच्छे से गूंथ लिया है, अच्छे से उसको मैंने एक उसका जो है डो बना लिया है। उसमें पानी वगैरह ऐसे सच आपको कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ ये जो मेरा आज का आपको रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरी तरफ से भी एक ट्रायल है, राइट। तो आप देखिए पहले मेरा जो ट्रायल है ना वो किस तरीके से फंसा था। मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल जो है हाथों में लगा लिया है, हथेलियों में मैंने ऑयल लगा लिया है एंड ये जो हमने डो बनाया था ना अभी, उसको मैंने ऐसे छोटी छोटी सिलेंड्रिकल शेप में मुठिया, जिस तरीके से होती है ना अपनी मेथी की मुठिया वगैरह, उस तरीके से मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया है। आप देख सकते हो लंबा लंबा मैंने उसको ऐसे कर लिया है। तो इस तरीके से जो है ना सारी की सारी मुठिया, या फिर आप इसको जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, ऐसे स्टिक फॉर्म में जो है मैंने उसको पूरे डो को जो है कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो है पूरे के पूरे डो का मैं इस तरीके से स्टिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रही हूँ। आप स्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, मुठियों के जैसा कर सकते हो, चाहे तो आप उसको कोई भी रैंडम शेप दे सकते हो, गोल गोल भी कर सकते हो, कोफ्ते की तरह भी आप उसको कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है एंड जो कम टाइम टेकिंग है
वैसा भी आप कर सकते हो, जो आपको पसंद है वैसा आप कर लीजिए। पहले जो है ना मैंने स्टिक के तरह किया, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने जो है बाद में उसको थोड़ा मुठियों के जैसा बना दिया एंड फटाफट से उसको मैंने डीप फ्राई करना स्टार्ट करना है। एक साइड में मैंने जो है ऑयल रख दिया है। मेरा क्या है ना, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते टाइम पे मेरे पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तो मुझे जो भी चीज़ फटाफट बनती है ना वो वाली चीज़ पसंद आती है। लेकिन फटाफट बनने के साथ में सुबह ब्रेकफास्ट, मुझे मेरा ऐसा मानना है कि अगर सुबह का फर्स्ट जो हमारा इनटेक है, जो भी चीज़ हमारे पेट में जाती है ना, वो बहुत टेस्टी होनी चाहिए, तभी आपके दिन में जो भी आप खाते हो ना वो सब चीज़ें टेस्टी होती है। तो बैक टू द रेसिपी, ये मेरा अपना फंडा है। बैक टू द रेसिपी, मैंने क्या किया ना, ये जो ऐसे मुठिया जैसे बनाए थे ना, वो वैसे के वैसे मैंने डाल दिए हैं डीप फ्राई करने के लिए। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ ना, जब मैं उनको डीप फ्राई कर रही थी तो वो उसमें जो राइस था ना, वो राइस जो है ना सेपरेट हो रहा था ऑयल में जाके। तो बनी तो मेरी अच्छी थी वो वाली, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑयल पी रही थी वो। तो सुबह सुबह इतना ऑयली खाना इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर आवर हेल्थ, राइट? तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली पसंद आता है तो आप उसको खा सकते हो, नहीं पसंद आता है तो आप मत खाइए। आप देखिए यहाँ पे मुठिया जो है ना वो ठीक से बन भी नहीं रही थी एंड उसमें से राइस जो है ना वो सेपरेट हो रहा था। तो मैंने फटाफट से अपना दिमाग चलाया हाउसवाइफ वाला, मैंने क्या किया, एक कटोरी में ले लिया थोड़ा सा बेसन, उसमें ऐड किया नमक एंड पानी। बेसन का घोल मैंने थोड़ा सा, आप बोल सकते हो ना, थीक वाला ऐसा बेसन का एक घोल बना लिया। उसमें जो स्टिक्स थे वो स्टिक्स को मैंने डाल दिया, एक एक करके मैं डालती गई एंड उसको फ्राई करती गई। तो मुझे बनानी थी राइस की मुठिया, आप बोल सकते हो खिचड़ी की मुठिया, एंड बन गई मेरी खिचड़ी की भजिया। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है हमारे साथ में। देखिए, अगर मुझे कुछ नया ट्राई करना है ना, तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल ही होगा। कभी कभी हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ना वो गलत हो जाता है, कभी कभी चीज़ों को जज करने में हम लोग भी गलत हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप गलत हो भी रहे हो तो भी आपको हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। नया कुछ ट्राई करेंगे तभी तो फैमिली को बहुत अच्छा खाना आप खिला सकते हो, राइट? तो मैंने क्या किया, जो गलती हुई थी मेरे से, मैंने जो रियलाइज़ किया कि अरे ये तो नहीं बन रहा है, तो मैंने फटाफट से बेसन का एक घोल बना के सारी की सारी मुठिया उसमें घोल ली एंड उसको जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आप चाहे तो ये बेसन का जो घोल हमने बनाया है इसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल बना सकते हो, इसमें अजवाइन डाल सकते हो, लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है आप डाल दीजिए। मैंने ये सारी चीज़ें नहीं डाली है क्योंकि मेरी बेबी को बहुत तीखा तीखा ऐसा कुछ पसंद नहीं आता है। तो मैंने क्या, यहाँ पे बेसन जो है ना उसको बहुत क्लीन रखा है, सिर्फ और सिर्फ नमक मैंने उसमें ऐड किया है। तो आप चाहे तो मेरी तरह सिर्फ नमक उसमें ऐड करके आगे जो है उसको और एक वेरिएशन देंगे, तो आपको वीडियो में वो पता चलेगा। तो क्या है ना, ऐसे सिर्फ नमक वाली, नमक का जो बेसन का घोल हम लोग बनाते हैं ना, ऐसी वाली अगर भजिया पकोड़े या फिर आप जो भी इसको नाम देंगे, ये रेसिपी जो है ना ऐसे ही बच्चों को पसंद आती है खाने के लिए। बस साथ में आप उसको टोमेटो सॉस जोड़ दीजिए, बच्चे आपके जो है बहुत ही एंजॉय करेंगे ये सारी चीज़ें। तो वही मैं आपको बता रही थी कि बाहर हो रही थी बारिश, मन तो सबका था कि भजिया पकोड़े ऐसा ही कुछ मिले खाने में, लेकिन फिर हमेशा भजिया पकोड़े हम लोग नहीं बना सकते हैं, राइट? हर दिन तो नहीं खा सकते। तो ये जो है, ये कल की खिचड़ी जो बची थी उसी के साथ में मैंने ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया एंड ये देखिए बहुत ही टेस्टी, जो मिर्ची वाली भजी मिलती है ना बाहर, अगर आपने कभी खाई होगी तो, बस वैसी ही दिखने में है, खाने में वैसी नहीं है लेकिन दिखने में वैसी ही दिख रही थी। एंड कलर जो है ना इसका लाइट येलो कलर, ये इतना खूबसूरत लग रहा था, अभी आपको वीडियो में भी दिख रहा है एंड वीडियो में जो दिख रहा है उससे बहुत ही खूबसूरत इसका कलर उभर के आया था। तो यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से सारी मुठियों को जो है बेसन के घोल में कवर करके, रैप करके उसको जो है मैंने यहाँ पे डीप फ्राई कर लिया है। इस तरीके से जो है आप उसको डीप फ्राई कर लीजिए। अगर आप चाहे तो इवनिंग स्नैक में भी इसको बना सकते हो, या फिर अगर आप चाहे तो इसको है ना साइड डिश की तरह भी बना सकते हो। राइस अगर बचा हुआ नहीं भी हो ना, तो आप ऐसा थोड़ा सा राइस जो है, जो हम लोग बनाते हैं खाने में थाली में, जो हम लोग राइस बनाते हैं, राइट, तो उसमें से थोड़ा सा राइस लेके आप उसकी इस तरीके से जो है भजिया पकौड़े
बना सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें एज सच आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि राइस में जो भी मसाले हम लोग ऐड करते हैं खिचड़ी में, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल आपको ऊपर से करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही दिखने में जितना टेम्पटिंग आपको लग रहा है, खाने में उससे कई गुना बहुत ही अच्छा था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, कभी कभी हमारे ही एक्सपीरियंस इतने अच्छे हो जाते हैं ना कि बस हमको अपने ऊपर ही बहुत खुशी हो जाती है। ऐसा लगता है कि अपने ही हाथों को चूम लो कि वाह वाह, हम भी कुछ अलग से बना सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। तो ये जो है, आई डोंट थिंक ये ऐसी वाली कोई रेसिपी आज तक यूट्यूब पे आई है। देखिए, यूट्यूब पे आई है कि नहीं आई है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आई भी होगी तो मैं जो ट्राई करती हूँ, मुझे जो सक्सेस मिलता है हर कोई रेसिपी बनाने में, वो सक्सेस मुझे आपके साथ शेयर करना होता है। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने सीखी है अपनी एक्सपीरियंस से, जब मैं कोई डिश बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ जो है ट्रिक्स मैं अपने आप की ही दिखाती हूँ, अपने आप से ही मैं उभर के आती हूँ, तो वही ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती कि जो रेसिपी मैं बनाती हूँ वो आपने कभी देखी नहीं होगी, कभी खाई नहीं होगी, लेकिन मेरी ट्रिक्स शेयर करना मेरी जिम्मेदारी मुझे लगता है। तो ये वाली रेसिपी के साथ में शायद से मैं बोल सकती हूँ कि ये फर्स्ट टाइम आ रही है यूट्यूब पे। एंड आप भी दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि एक वेरिएशन हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो वेरिएशन है चाट मसाला का। आप चाहे तो जैसे मैंने ऊपर से स्प्रिंकल किया है चाट मसाला, इस तरीके से आप भी स्प्रिंकल कर लीजिए चाट मसाला। आपकी जो पकोड़े हैं, भजिया है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एंड कोई भी पकोड़ा एंड भजी के ऊपर अगर चाट मसाला आपने डाला है ना, तो बहुत ही फ्लेवर बढ़ जाता है एंड बहुत यम्मी लगती है खाने में। अगर आपने ये ट्रिक नहीं आजमाई है तो ज़रूर आजमाइएगा। मिलती हूँ मैं अभी आपको अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।